हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे केकी एंड दारूवाला की एक पोयम रूमिनेशन। रूमिनेशन जो है बहुत ही ख़ास पोयम है। ये 1947 के अराउंड लिखी गई थी, इसलिए इस लिहाज से ये बहुत ख़ास हो जाती है। और इसके अंदर जो भी चीज़ें दर्शाई गई हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में केकी एंड दारूवाला ने ये बताया है कि जो वर्ल्ड वॉर हुआ था और जो 1947 से पहले का हमारे इंडिया में भी जो वॉर छिड़ा हुआ था, तो उस टाइम पे से पहले क्या सिचुएशंस थी, कैसे कैसा माहौल था, ये देख करके इन्होंने इस पोएम को बनाया हुआ है, कंपोज किया हुआ है। तो इसमें पढ़ेंगे और हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि क्या क्या भावनाएं उनकी हैं इस पोएम को लेकर के। तो पहले मैं बता दूं कि रूमिनेशन का मीनिंग क्या होता है। रूमिनेशन मीन्स होता है नेगेटिव थॉट्स प्रोसेस। नेगेटिव थॉट प्रोसेस एक ऐसा है जो ख़त्म नहीं होता है, बस आता ही जाता है। जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं कि किसी चीज़ के लिए हम वरीड अबाउट हैं, हिंदी में कहते हैं हम चिंता कर रहे हैं। चिंता मतलब बार बार हमें टेंशन लगी हुई है, हमें वरीड हो रहा है कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये सब चीज़ों को लेकर के जो हमारे मन में थॉट्स आते हैं, थॉट प्रोसेस जो नेगेटिव में होते हैं, उसका नाम है रूमिनेशन। इट कैन स्मेल वॉयलेंस इन द एयर। I can smell violence in the air like a flash of coming rain, mass at hatred drifting grey across the moon. In लाइनों में poet कह रहे हैं कि the outbreak of violence would result in the death of countless of innocent person. यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हवा में जो हिंसा का माहौल है, जो हिंसा की महक आ रही है, उसे ये फील कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं। जिस प्रकार से बारिश होने से पहले जो बादल एकदम से आसमान को घेर लेते हैं, चारों तरफ से उनके सराउंडिंग हो जाते हैं, तो हम देखकर कह सकते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा भारी बारिश होने वाली है, बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि ऐसा माहौल बना हुआ है कि इससे लग रहा है कि जो वॉयलेंस है वो बहुत भयानक वायलेंस होने वाली है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बोला है मास हैट्रेड ड्रिफ्टिंग ग्रे अक्रॉस द मून। मून इन्होंने लव को बताया कि जो लव होता है उसके चारों तरफ जो हैट्रेड है, जो नफ़रत है, जो हिंसा का माहौल है, वो फैल चुकी है, बहुत तेज़ी से नफ़रत फैल रही है, और लव को इसने घेर लिया है, जैसे मून को बादल घेर लेते हैं बारिश के पहले। इट हॉवर्स ब्रूडिंग पॉइज्ड लाइक अ कोबरा एज अ ईगो प्रूडिंग रैट होल्स एंड सराउंडिंग कार्बन्स। तो यहाँ पे जो ब्रूडिंग पॉइज्ड कोबरा रैट होल्स और आगे बताया गया है लुकिंग फॉर अ फैंग दैट डर्ट्स हुड दैट स्वेज, इन सभी वर्ड्स का मीनिंग है एक पॉइजनस फीलिंग, जो पॉइजन होता है, जो पॉइजनस होता है, एक विशियस जो होता है, उसके बारे में बताया गया है किस तरीके से जहर फैल रहा है, जहर के जैसे, जिससे जहर कोबरा का फैलता है, उस तरीके से यहाँ पे माहौल है करप्शन फैल रहा है, हैट्रेड फैल रहा है। तो ये इस चीज़ को यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, इसलिए इन्होंने ऐसे वर्ड्स के यूज़ किया हुआ है। आई वॉच माई वॉन्ट्स बट दे डोंट टर्न ग्रीन क्रॉस बोन्स आई लुक फॉर यू दैट आई एम लुकिंग फॉर दैट बाल्ड बोन हेड ऑफ योर्स। बाल्ड बोन हेड का यहाँ पे मीनिंग तो ऐसे होता है कि जब कोई रेप्टाइल होता है उसके जो फन होते हैं, जैसे एक स्नेक का फन होता है, उसको बाल्ड बोल्ड हेड बोला गया है, बोन हेड बोला गया है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि जब मैं अपने घावों को देखता हूँ, जब अपने घावों को देखता हूँ जो ये लगे हुए हैं, इनके मन को जो चोट लगा हुआ है, ये इस वॉयलेंस का वो करके प्रोडक्शन करके इनके मन को जो चोट लग रहा है, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं कि इसको जब देखता हूँ तो ये ग्रीन नहीं हो रहे हैं, मतलब अभी एकदम ताज़े हैं, बिल्कुल भी मुरझाए नहीं, एकदम ताज़े से हैं। और ये क्रॉस बोन्स को देखते हैं जो ज़मीन पर पड़े हुए हैं, लोग मरे हुए हैं, उनके जो बोन्स हैं उस क्रॉस बोन्स को देखते हैं, और कहते हैं कि मैं उस बाल्ड बोन हेड को देखना चाहता हूँ कि जिसने इस तरीके से मतलब यहाँ पे इन्होंने एक सांप को इस तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसे लग रहा है कि सांप के बारे में बात करें, लेकिन ये सांप के बारे में बात नहीं कर रहे, ये बात कर रहे हैं उस टाइम के करप्शन हैट्रेड जो फैल रहा है उसके बारे में, कि जिस तरीके से सांप काटता है उसका जहर फैलता है और घाव जो है ताज़ा होता है और लोग सांप को ढूंढते हैं, उसी तरह ये ढूंढ रहे हैं करप्शन
के कारणों को, उनके रीज़न को, जो यहाँ पे हैट्रेड और करप्शन फैल रहा है उसके रीज़न्स को ये ढूंढ रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे ये जो चोट लगी हुई है ये अभी ताज़ी है, अभी अभी बिल्कुल भी मुरझाई नहीं है, और मैं उसका इन कारणों को, बाल्ड वोल्ड हेड का मतलब है कि जैसे सांप काटने पर लोग सांप को ढूंढते हैं, वैसे ही मैं इन कारणों को ढूंढ रहा हूँ जिसकी वजह से ये हैट्रेड और करप्शन फैल रहा है हवा में। फिर कह रहे हैं, बट इट इज़ इन फ्लैश एंड फ्लैश टिश्यूज दैट माई डेस्टनी लाइज एंड स्लोली करप्शन टेक्स होल्ड। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब मैं मैं ढूंढता हूँ उस बाल्ड बोन हेड यानी उस रीज़न को, तो मैं पाता हूँ कि यहाँ पे फ्लैश यानी मांस और जो लाश हैं उनके सिवा और कुछ भी नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जाकर के मेरी जो डेस्टिनी है, मेरी जो खोज है वो ख़त्म हो जाता है और मुझे ढूंढने पर लास्ट में सिर्फ लाशें ही मिलती हैं एंड स्लोली करप्शन टेक्स अ होल्ड। और कह रहे हैं कि और करप्शन जो है, हेट्रेड जो है, वो इस तरीके से धीरे धीरे यहाँ पे अपनी मजबूत पकड़ बनाता जा रहा है। ओवर फ्रॉम द मॉर्चुरी कम्स द कॉप्स ड्रिफ्ट, डेथ इज सो सॉफ्ट, पुट इट 10 days इन अ वेल एंड इट टर्न्स पल्पी। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो मॉर्चुरी है जहाँ पर लाशों को लाया जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वहाँ पे जो लाशें हैं अगर उनको 10 days के लिए रख दिया जाता है तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्मेल करने लगते हैं और वो सड़ने लगते हैं। ये तरीके से बता रहे हैं कि ये सड़ने लगते हैं किस प्रकार से। तो इन्होंने वेल का यहाँ पे जिक्र इसलिए किया है, जैसे कोई लाश होती है अगर उसको कुएं में डाल दिया जाए तो वो पानी को अब्सॉर्ब करके किस तरीके से पल्पी और एकदम सॉफ्ट हो जाती है, फूल जाती है और सड़ जाती है, वो ये उस तरीके से यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं, रोज़ वाटर, इंसेंस स्टिक्स, फ्लावर्स एंड रिलेटिव्स हैव डन देयर बिट द ड्रिफ्ट एज इट कम्स टू अस नाउ इन अरोमा स्ट्रेच नोजिया जोस्टाइल ईच अदर। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मरे हुए लोग हैं, जो लाशें हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं वो यहाँ पे अब रोज़ वाटर और इंसेंस स्टिक्स, जो अगरबत्ती जिसको बोलते हैं, ये जो होता है उसको लगा के, फ्लावर्स को लगा करके इनके रिलेटिव्स क्या कर रहे हैं कि उसे जो बहुत ही बुरी स्मेल आ रही है उन लाशों से, उसे भगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एकदम नाकों में बहुत तेज़ उनकी उसकी गंध है जो लग रही है, उसका अरोमा जो है वो नाक में सबकी बहुत तेज़ लग रही है। तो कह रहे हैं कि उसे भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ ही समय के लिए है, उससे ज़्यादा वो काम नहीं कर रहा है, ज़्यादा काम में नहीं आ रहा है। इन द मोर वरांदा अनदर क्यू अप हर नोज स्लाइस्ड ऑफ हर लंग्स पंक्चर्ड इट इज़ 3-word story। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि उसी मोर के वरामदे में एक और लाश आती है, क्यू जो लगे हुए हैं लाशों के, जो लाइनों में लाशें बिछी हुई हैं, उसमें एक और लाश आती है और वो एक हर, यहाँ पे बोल रहे हर नोज स्लाइस्ड ऑफ, तो बता रहे हैं कि वो एक लेडी की लाश है जिसकी नाक कटे हुए हैं, हर लंग्स पंक्चर्ड और उसके सीने में जो है कि किसी चीज़ से, किसी धार से वार किया गया है जिससे कि उसके लंग्स जो हैं वो पंक्चर्ड हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, नोज़ एक सिंबल है एक हमारे डिग्निटी का, तो यहाँ पे ये नोज स्लाइस इसलिए बता रहे हैं ताकि वो डिग्निटी से रिलेटेड है कि उस फीमेल ने ज़रूर ऐसा कुछ काम किया होगा जो उनके, उसके हस्बैंड, उसके फादर या किसी की डिग्निटी से जुड़ा है, जिसकी वजह से उसके नोज़ को स्लाइस कर दिया गया, उसने नाक काट दिया सबका। हर लंग्स पंक्चर्ड, लंग्स इसलिए पंक्चर्ड यहाँ पे सिम्बलाइज ये कर रहा है कि उसने जो है किसी का हार्ट तो जो है ब्रेक किया है, उसने किसी का दिल तोड़ा है जिस वजह से उसके लंग्स में पंक्चर किया गया है किसी नाइफ या किसी चीज़ से। और कह रहे हैं, इट इज़ अ 3-word story। 3-word story यहाँ पे ये डिफ़ाइन करता है कि लव, बिटर एंड डेथ, कि किसी जो लेडी है इसको किसी से प्रेम था और उसने बिट्रे किया है, यानी कि जिससे प्रेम करती थी उसके साथ उसने धोखा किया है, किसी और के साथ भी अफेयर करके, और बाद में ये जो है इसका परिणाम ये होता है कि ये डेथ पे जा करके ख़त्म हो जाता है, उस लेडी की डेथ हो जाती है। तो इट इज़ अ 3-word story, लव, बिट्रे एंड डेथ।
अब यहाँ पे उस मैन की बात हो रही है. मैन इज़ सो प्लायंट एडेप्टेबल ब्रेहिम एंड ही इज स्टीड फास्ट एज द अर्थ. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो आदमी है, जो उसका हस्बैंड है, जो जो उसकी लाश यहाँ पे जिस लेडी की पड़ी है, उसका जो हस्बैंड है वो बहुत ही प्लायंट है और अडेप्टेबल है. मतलब कि अब बाई नेचर वो बहुत यहाँ पर अच्छा बताया जा रहा है उसको. ये एक आयरनी है, उसने तो पहले अपनी वाइफ का कत्ल कर दिया है, उसके नोज़ को स्लाइस कर दिया है, उसके लंग्स को पंक्चर कर दिया है, उसके बाद यहाँ उसे अडेप्टेबल बताया जा रहा है कि बहुत ही सिंपल सोबर व्यक्ति है. और वो यहाँ पे बरी हिम एज ही स्ट्रीट फास्ट एज द अर्थ. यहाँ पे इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि वो जो इंसान है वो ये जो पॉल्यूशन करप्शन का जो टाइम चल रहा है, जहाँ पे लोग एक दूसरे से हिंसा कर रहे हैं, मार कर रहे हैं, दूसरे को मार दे रहे हैं, उसके बारे में उसके थिंकिंग, उसके विचार ये यहाँ पे ये बता रहा है, बताया जा रहा है कि वो व्यक्ति कह रहा है कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक दूसरे किसी को मारना नहीं चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए. जबकि वो खुद हिंसा करके आया है, अपनी वाइफ का कत्ल करके आया है, लेकिन वो यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए. इसलिए प्लायंट एंड अडेप्टेबल उसे बोला जा रहा है. यहाँ पर ये बहुत ही आयरनी का यूज़ किया गया है और बहुत इफ़ेक्टिव आयरनी है. यहाँ पे जब इस पोएम को हम डिस्क्राइब करेंगे देन ये वर्ड यहाँ पे ये जो लाइनें हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. हे फ्रेंड्स, यहाँ तक पोएम हम कर चुके हैं और इसके आगे भी हम नेक्स्ट पार्ट में इस पोएम को लेकर आएंगे. अगर आपको फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. और इस पोएम पे लाइक्स भी आने चाहिए आपके, सब्सक्राइब भी होने चाहिए. तो हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे रूमिनेशन का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है. तो प्लीज़ इसे स्किप बिल्कुल भी ना करें, लास्ट तक देखें और सेकेंड पार्ट के लिए कमेंट करें कमेंट बॉक्स में. थैंक यू.